जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अप्रूव किए 2.23 लाख करोड़ रुपीस तक के खरीद प्रस्ताव। अमेरिका की जमीन पर पन्नू के खिलाफ साजिश के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। अमेरिका वाले आरोपों के चलते हर एक पहलू की जांच के लिए भारत ने स्थापित कर रही है हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी। रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया विकसित कर रही है 1000 किलोग्राम का एरियल बॉम्ब। और बीएसएफ डीजी के मुताबिक अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि पाकिस्तान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का क्यों किया था उल्लंघन। तो जैसे कि तय था, आज 30 नवंबर को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 2.23 लाख करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब वो खरीद प्रस्ताव कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की। तो डीएसी ने आर्मी के लिए 2 अलग अलग टाइप के एंटी टैंक म्यूनिशंस की खरीद वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसमें एरिया डिनाइल म्यूनिशन के टाइप 2 और टाइप 3 की खरीद शामिल है। और ये जो म्यूनिशंस हैं, ये दुश्मन के टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और दुश्मन ट्रूप्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आर्मी की सर्विस में जो इंडियन फील्ड गन है जो कि अपनी सर्विस लाइफ को कंप्लीट कर चुकी हैं, तो अब उनको रिप्लेस करने के लिए अत्याधुनिक टोट गन सिस्टम्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जो कि आगे चलकर आर्मी की आर्टिलरी फोर्सेस का प्रमुख हिस्सा बनी रहेंगी। इसके अलावा डीएसी ने आर्मी की 155 mm वाली आर्टिलरी गन्स में इस्तेमाल करने के लिए 155 mm के नेबलस प्रोजेक्टाइल की खरीद को भी मंजूरी दी है। और इसके अलावा आर्मी के T-90 बैटल टैंक्स के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर की खरीद और इंटीग्रेशन वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके बाद अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो डीएसी ने इंडियन नेवी के सरफेस प्लेटफॉर्म्स के लिए मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है, जो कि एक लाइट वेट की सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी और ये इंडियन नेवी वॉरशिप्स का प्राइमरी ऑफेंसिव वेपन भी रहेगा। और बाकी जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि डीएसी की मीटिंग में नेवी के लिए दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर वाले प्रस्ताव को भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आपको क्लियर कर दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस मीटिंग को लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है तो उसमें इस दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर वाले प्रस्ताव के बारे में कोई बात नहीं की गई है। और बाकी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एयरफोर्स की। तो डीएसी की मीटिंग में एयरफोर्स के लिए 97 तेजस Mk 1A, 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और 84 Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड करने वाला प्रस्ताव, तो इन तीनों प्रस्तावों को डीएसी की मीटिंग में आज क्लियरेंस मिल चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज डीएसी ने जो टोटल 2.23 लाख करोड़ रुपीज से भी अधिक के खरीद प्रस्तावों को अप्रूव किया है, तो इनमें 98% प्लेटफॉर्म भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से ही सोर्स किए जाएंगे। और इसलिए भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। और जबकि आज ANI के साथ बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से भी कहा गया है कि एयरफोर्स के लिए 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A फाइटर्स की प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल मिलना ये वाकई में एक लैंडमार्क इवेंट है। और जबकि इससे पहले ऑलरेडी 83 तेजस मार्क 1A फाइटर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिनकी डिलीवरी अगले साल फरवरी से ही शुरू होनी है। और इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में तेजस मार्क 1 की 40 यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। और इंडियन एयरफोर्स चीफ के मुताबिक लॉन्ग रन में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हम 220 LC तेजस मार्क 1A की स्ट्रेंथ देखेंगे, जिससे एयरफोर्स के कम से कम 10 स्क्वाड्रंस इक्विप्ड की जाएंगी। और इसी तरह से उन्होंने LCH प्रचंड के बारे में बात करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर कॉम्बैट ऑपरेशंस के डोमेन में ये हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देगा। ये हेलीकॉप्टर्स काफ़ी ज़्यादा एजाइल हैं और ये हाई अल्टीट्यूड एरियाज तक में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और उनका ये मानना है कि अब उन्हें नहीं लगता है कि भविष्य में उन्हें कभी भी अटैक हेलीकॉप्टर्स इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर, जिनका कल 29 नवंबर को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो उनके एक बहुत ही फेमस कोट है और जो कि अमेरिका को लेकर ही है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा होता है। और हो ना हो, अमेरिका कई बार इस बात को साबित कर भी चुका है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बातें कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब जो हम आपको अपडेट देने वाले हैं तो उसको जानने के बाद आपको ये वाला कोट और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका की एजेंसीज ने उनकी जमीन पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की किलिंग वाली साजिश को नाकाम किया है। और शक इस बात का जताया जा रहा था कि साजिश में भारत का ही हाथ है, तो इसलिए अमेरिका ने भारत को वार्निंग भी दी है। हालांकि इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बता दिया गया था कि अमेरिका ने भारत के साथ कुछ इनपुट्स शेयर किए हैं, जो कि इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि कुछ अपराधी हैं, कुछ आतंकी संगठन हैं, तो वो आपस में एक साथ मिलकर इस तरह की साजिश रच के भारत को बदनाम करने की कोशिश में। तो अब कल 29 नवंबर को ही अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा गया, न्यूयॉर्क शहर में ही एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में भाग लेने के संबंध में एक 52 वर्षीय भारतीय नागरिक, जिनका नाम है निखिल गुप्ता उर्फ निक,
तो इनके खिलाफ केस किया गया है। और जो निखिल गुप्ता है इन्हें 30 जून 2023 को US और चेक रिपब्लिक की बायलेटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अनुसार गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया था। और फिर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे US जस्टिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट में CC1 करके मेंशन किया गया, तो आरोप लगाया गया कि इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाकियों के साथ मिलकर, जिसमें निखिल गुप्ता भी शामिल था, तो उन्होंने अमेरिका की जमीन पर भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक जो कि अमेरिका के मुताबिक एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो उसको ढेर करने के लिए एक साजिश रची थी। और इस स्टेटमेंट में यह भी दावा किया गया कि जो निखिल गुप्ता है तो वो CC1 यानी कि उस भारत सरकार के एम्प्लॉय का साथी था, और जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसने अपने आप को सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एक सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर डिस्क्राइब किया था, और जो कि पहले भारत की CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भी सर्व कर चुका है और जिसे वेपन्स और बैटल क्राफ्ट में ट्रेनिंग भी मिली है। तो US के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक इसी इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने भारत से ही निखिल गुप्ता समेत बाकियों के माध्यम से अमेरिका की जमीन पर अमेरिका के सो कॉल्ड नागरिक के खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में ना तो उस इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम के बारे में बात की गई है और ना ही उस अमेरिकी नागरिक के बारे में बात की गई है जिसके बारे में अमेरिका कह रहा है कि साजिश रची, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पर बात की जा रही है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जिसे अमेरिका आतंकी नहीं बल्कि एक नागरिक मानता है। फिर भले ही वो एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दे या इंडियन लीडर्स को मारने की धमकी दे, लेकिन अमेरिका के लिए वो केवल एक नागरिक है। पर खैर इस पर हम आएंगे, लेकिन आपको और भी बताए थे कि और क्या क्या आरोप लगे। तो फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसी के निर्देश पर जो निखिल गुप्ता है उसने एक इंडिविजुअल को कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन वो जो इंडिविजुअल था वो US की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स की तरह काम कर रहा था। पर चूंकि निखिल गुप्ता को नहीं मालूम था कि वो जो इंडिविजुअल है वो US लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ही कॉन्फिडेंशियल सोर्स है, और निखिल गुप्ता के मुताबिक वो एक क्रिमिनल एसोसिएट था जो कि उनके काम के लिए किसी हिटमैन का बंदोबस्त कर सकता था, तो अमेरिका के स्टेटमेंट के मुताबिक उस कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने निखिल गुप्ता को एक हिटमैन से कॉन्टैक्ट कराया, और वो भी हिटमैन नहीं था बल्कि वो भी US लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक अंडरकवर ऑफिसर था। और दावा ये भी किया जा रहा है कि उस इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के निर्देश पर अमेरिका के उस सो कॉल्ड विक्टिम को ढेर करने के लिए $1,00,000 ऑफर किए थे, और फिर 9 जून को एडवांस पेमेंट के तौर पर कैश में $15,000 डिलीवर किए गए। बाकी अमेरिका के उस सो कॉल्ड विक्टिम यानी कि उस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई थी, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी में उसका होम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बाकी की इन्फॉर्मेशन। और फिर इसी स्टेटमेंट में हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बात की गई है, जिसमें यह कहा गया कि 18 जून को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हरदीप सिंह निज्जर को ढेर कर दिया था, और निज्जर जो कि अमेरिका के उस सो कॉल्ड विक्टिम यानी कि उस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का साथी था। और 19 जून को निखिल गुप्ता ने हिटमैन के रूप में उस अंडरकवर ऑफिसर को ये भी बताया था कि जो निज्जर है वो भी उनके टारगेट में था, और उस तरह के उनके और भी कई सारे टारगेट्स हैं। और फिर निज्जर के ढेर होने के बाद गुप्ता की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका के अब उस सो कॉल्ड विक्टिम को मारने के लिए हम और इंतजार नहीं कर सकते। और फिर 20 जून को उस टारगेट के बारे में न्यूज़ आर्टिकल गुप्ता को भेजा गया और उसे मैसेज दिया गया कि इट्स अ प्रायोरिटी नाउ, और निखिल गुप्ता को मर्डर फॉर हायर और कॉन्स्पिरेसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल ये भी क्लियर करते कि ऐसा कोई एविडेंस भी अभी तक नहीं देखने को मिला है जो कि ये बात साबित करता हो कि निखिल गुप्ता का कनेक्शन किसी इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ था और उससे ही उसे निर्देश मिल रहे थे, और वो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है तो इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और बाकी अब यहां तक आप समझ गए होंगे कि अमेरिका की दोस्ती उसके दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक क्यों है। और अब आपको बता दें कि भारत की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब निखिल गुप्ता का कनेक्शन इंडियन गवर्नमेंट के साथ जोड़ने वाली रिपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से क्लियरली कहा गया कि अमेरिका में जिस इंडिविजुअल के खिलाफ केस हुआ है और उसे जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ लिंक किया जा रहा है, तो ये बात काफ़ी चिंताजनक है और ये भारत सरकार की नीति के विपरीत भी है, और जो इस पूरे मामले पर भारत सरकार को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि इस तरह की पॉलिसी भारत सरकार की नहीं है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि बायलेटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन के तहत अमेरिका ने हमारे साथ कुछ इनपुट्स शेयर किए थे जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, गन रनर्स, टेररिस्ट और बाकियों की सांठगांठ के बारे में था, और हमने उन इनपुट्स को काफ़ी गंभीरता से लिया है और एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जो कि इस मामले के सभी रेलिवेंट आस्पेक्ट्स को देखेगी और फिर इंक्वायरी कमेटी के फाइंडिंग्स के आधार पर जरूरी एक्शंस लिए जाएंगे। और बाकी फिलहाल के लिए इस तरह के सिक्योरिटी मैटर्स पर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और रही बात उस इंडिविजुअल की जिसके खिलाफ US कोर्ट में केस फाइल किया गया और उसे इंडियन ऑफिशियल के साथ लिंक किया जा रहा है, तो हम फिर से इस बात को दोहराते हैं कि ये चिंताजनक बात है और भारत सरकार की नीति इस तरह की नहीं है। और बाकी आपको बता दें कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी कुछ दिनों पहले से चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब अचानक से US जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद उनका रोना धोना फिर से शुरू हो चुका है, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका की तरफ से आ रही खबरें उसी बात की तरफ रेखांकित करती हैं जो कि हम शुरू से ही कर रहे हैं, और इसलिए भारत को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ काम करने की भी ज़रूरत है कि हम इसके तह तक पहुँच रहे हैं।
लेकिन बता दें कि ये भी सिर्फ बातें हैं, क्योंकि कनाडा ने अपने आरोप को साबित करने के लिए अभी तक कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कनाडा है वो लगातार अपने वहाँ एंटी इंडिया एलिमेंट्स को स्पेस देता आया है, और भारत उम्मीद करता है कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगी। और भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए पाया गया, और जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। और जिस तरह से कनाडा अपने वहाँ एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट को लगातार स्पेस देता रहा है, तो एक्चुअल में कनाडा ही इस पूरे इशू का हार्ट है। और खैर, बाकी प्रश्न तो और भी बहुत सारे हैं जिनके उत्तर तो अभी तक नहीं मिले कि जब अमेरिका का वो सो कॉल्ड नागरिक गुरपंथ सिंह पन्नू भारत में आतंकियों की लिस्ट में शामिल है, तो वैसा तो है नहीं कि भारत सरकार ने यूएस गवर्नमेंट के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी होगी। तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका ने आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? उल्टा अमेरिका उसको बचाने के चक्कर में और वो उसको एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं, और भले ही उसको कोई भी निपटाना चाह रहा हो, लेकिन आरोप वो भारत पर लगा रहे हैं, और वो भी बिना किसी स्ट्रांग एविडेंस के। और ये पन्नू वही है जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भी दे चुका है। और अमेरिका को तो ये बात वैसे भी कम करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसने खुद दूसरे देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को ढेर किया है। आज 30 नवंबर को कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी के लिए बनाई गई पहली 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिनके नाम है माहे, मालवन और मंगरूल, तो इन्हें लॉन्च किया गया है। और CSL इंडियन नेवी के लिए इस तरह की टोटल 8 क्राफ्ट को बना रही है। इन वेसल्स को स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर से इक्विप्ड किया गया है, और ये कोस्टल वाटर्स में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, इसके अलावा माइन लेइंग ऑपरेशंस और लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल की जाएंगी। और इनको बनाने में 80% से भी अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह की 3 शिप्स को एक साथ लॉन्च करना तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की तरफ ये भारत की बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज को भी दर्शाता है। और बाकी आज 30 नवंबर को इंडियन नेवी ने 3री एम्यूनिशन कम टॉपिडो कम मिसाइल बार्ज को भी रिसीव किया है, जिन्हें भारत के MSME सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया। द हितवाद की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑर्डनेस फैक्ट्री खमरिया है वो इंडियन एयरफोर्स की डिमांड पर 1000 किलोग्राम तक के नए एरियल बॉम्ब को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट किया जाने वाला अभी तक का सबसे हाईएस्ट कैलिबर के एम्यूनिशन होगा, और ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 450 किलोग्राम के एरियल बॉम्ब को रिप्लेस करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रिसिशन गाइडेंस किट के साथ इस 1000 किलोग्राम के नए एरियल बॉम्ब को विकसित करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद ली जा रही है। और बता दें कि इस तरह के बॉम्ब्स अभी तक केवल नेटो कंट्रीज द्वारा ही इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अब इस तरह के बॉम्ब्स को भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए जाना तो ये निश्चित रूप से एक्सपोर्ट की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी ओपन करेगा। बाकी इसके अलावा, जैसे कि पहले के अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि COVID-19 चाइनीज वायरस के बाद अब चीन में एक नई तरह के वायरस की शुरुआत हुई है, तो अब इसी मामले से जुड़ी कुछ और रिपोर्ट्स और वीडियो सामने आई हैं जो कि चीन में एक नई तरह के पैंडेमिक की शुरुआत के संकेत देती है। और इस नए वायरस ने चीन में कई सारे स्कूल्स को ऑलरेडी हिट कर दिया है, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि उन्हें अभी तक कोई भी अनयूजुअल सा पैथोजन डिटेक्ट नहीं हुआ है। और बाकी WHO ऑलरेडी चीन से इस नए वायरस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मांग चुका है। और इसी बीच भारत ने भी अपनी सभी अथॉरिटीज़ को अपनी रेडीनेस को रिव्यू करने के निर्देश दिए और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब चाइनीज वायरस की शुरुआत हुई थी तब भी चीन ने पहले किसी के साथ डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी, और उल्टा वो उस इन्फॉर्मेशन को छुपाते रहे, उसे इनकार करते रहे, और फिर धीरे धीरे हम सभी जानते हैं कि उस पूरे वायरस ने कैसे पूरी दुनिया को ही प्रभावित किया। और अब एक बार फिर से जिस तरह से चीन में नया वायरस आया है और अब चीन फिर से वही हरकत कर रहा है जो उसने चाइनीज वायरस के समय करी थी, तो उससे इसी बात के संकेत दिख रहे हैं कि शायद ये एक नए चाइनीज वायरस की शुरुआत हो सकती है। और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि सोर्सेज के हवाले से दावा कर रही हैं कि चीन के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक बार फिर से इस नई महामारी को कवर अप करने के ऑर्डर्स दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस नए वायरस का ब्लेम किसी और पर डालने के लिए ऑलरेडी चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में BSF के DG नितिन अग्रवाल की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जिसमें उन्होंने कहना था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन घुसपैठ देखी गई है और इसे सीमा पार से कंट्रोल किया जा रहा था। इस गतिविधि में पाकिस्तानी रेंजर्स के सीनियर अधिकारी लगे हुए थे, और जो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी चीन में बने ड्रोन्स की घुसपैठ भारत में करा रहे हैं। BSF DG का कहना है कि सीमा पार से काफ़ी अधिक संख्या में ड्रोन्स यहाँ भेजे जा रहे हैं, और ड्रोन्स की ये घुसपैठ एक तरह के बिजनेस की तरह है, और पाकिस्तानी ऑफिसर्स को ये मालूम होता है कि ये सभी ड्रोन सफल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ड्रोन अगर गिराए जाते हैं तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनमें से अधिकतर ड्रोन्स बेहद ही घटिया क्वालिटी के चाइनीज ड्रोन्स हैं, जिनकी कीमत भी काफ़ी कम है, और इसलिए इसे एक तरह के बिजनेस मॉडल की तरह भी देखा जा रहा है। इसके अलावा BSF DG की तरफ से भी बताया गया कि जो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ हाल ही में सीज फायर को तोड़ा था, तो ज्यूरी अभी भी ये नहीं बता पाई है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया था, जबकि फ्लैग मीटिंग के दौरान भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स द्वारा कोई भी ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। बाकी पाकिस्तान द्वारा सीज फायर को तोड़ने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है उसको जानने के लिए हर तरह के पहलू का एनालिसिस किया जा रहा है।
और जो मीटिंग्स हुई थी उसमें भी पाकिस्तान के रेंजर्स कुछ भी रीज़न दे रहे थे और इनमें से एक भी रीज़न कन्विंसिंग नहीं था। यहाँ तक कि यह बात पाकिस्तानी रेंजर्स खुद फील कर रहे थे। लेकिन इसके साथ बीएसएफ डीजी ने यह भी बताया कि जब पाकिस्तान ने अनप्रोवोक फायरिंग करी थी तो हमारी तरफ से भी पर्याप्त मात्रा में जवाबी कार्रवाई की गई थी और जिससे पाकिस्तान की तरफ कैजुअल्टीज भी हुई हैं, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि हमारी सीमा पूरी तरह से सिक्योर है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में एक रूटीन सॉर्टी के दौरान वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में चीता हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर संजीव लाथर, मेजर अरविंद बाजला, लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश कुमार और सैपर योगेश धामने तो हमारे इन वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1971 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार मेमचंद शर्मा, हवलदार बुद्धि बल्लभ, राइफलमैन मन बहादुर पुन और राइफलमैन मोती कुमार नवार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1971 में ही ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही अनुसुईया प्रसाद वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट में इंडियन नेवी की कौन कौन सी मेजर वॉरशिप्स शामिल थी। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squatin.in पर जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।